Hello friends, welcome to iExamby and let us learn today's words. So the first word is diaspora. It is a noun and the meaning is the spreading of people from one original country to other countries. Hindi mein samajhna chahe to keh sakte hai pravasi. The movement of the population from its original homeland. Example jo tha newspaper mein. India and Canada have much in common as two pluralistic, diverse democracies with very strong people-to-people ties. There is an Indian diaspora of 1.3 million in Canada besides 1 lakh Indian students. So 1.3 million Indian population Canada mein hai, 1 lakh Indian students ke alawa. Another example is, when war broke out in their home country, a diaspora of refugees settled in neighboring nation. Synonyms is migrant, dispersion, exile, antonym is stay native. Okay, let us see the next word. So, abhi ab jo jitne bhi words hain, wo humne Hindu ke ek article se liya hai, and again, article was based on related to that Nirav Modi case. So, one idiom was there, tip of the iceberg. हम सब लोगों ने इसे सुन रखा है एग्जैक्ट इसका मतलब एंड हाउ टू यूज यहाँ पे देखते हैं मीनिंग इज टू ओनली नो अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम अ स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम द टोटल साइज ऑफ विच इज रियली मच ग्रेटर सो कहते हैं ना कि ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है मतलब जो पता चला है वो तो सिर्फ बहुत छोटा सा पार्ट पता चला है असलियत में तो बहुत सारी बातें अभी निकल के आई नहीं है सो एग्जाम्पल जो आर्टिकल में था What has been revealed so far could be only the tip of the iceberg. Another example, I'm not in the stage to disclose all these issues. What you know is the tip of the iceberg and for now, that will suffice. Okay. Third, the manager-employee problems in this company are just the tip of the iceberg. Synonyms, surface, one-dimensional. जो surface हो गया है, जो दिख रहा है, वो बहुत छोटा सा part है. Antonym, complete, detailed and analytical. Next word is contingent. Contingent, it can be used as an adjective as well as a noun also. So, इस article में जो था contingent liability की बात कर रहे हैं, तो contingent यहाँ पे adjective हुआ. Meaning is depending on something else in the future in order to happen. Future में कुछ होगा उसके उस पे बेस्ड है कि वो होगा कि नहीं होगा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है इसको इस तरह से समझना चाहे बैंक्स में जैसे कहते हैं या कंटिंजेंट लायबिलिटी की ही अगर बात करें तो इसको एक एग्जांपल से इस तरह से समझें कि सपोज आपके फ्रेंड ने कोई लोन लिया ठीक है और आप गारंटर हैं आपने गारंटी दी कि आपका फ्रेंड लोन रिपे कर देगा सो ये आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटी है मतलब अगर वो पे नहीं कर पाएगा लोन तब ये लायबिलिटी आपके ऊपर है अगर वो पे कर देगा तो आप सिर्फ गारंटर थे और उसने रिपे कर दिया बात खत्म हो गई आपके फ्रेंड के लिए वो लायबिलिटी है उसको वो पे करना ही है लेकिन आप एक गारंटर हैं तो आपके लिए ये कंटिंजेंट लायबिलिटी हो सकती है इस तरह से समझे इसे सेकेंड एग्जाम्पल इज अ परचेज ऑफ द हाउस इज कंटिंजेंट अपॉन हैविंग द रूफ रीडर ठीक है ये उससे जोड़ दिया कि अगर रूफ रीडन होगा तभी हम परचेज करेंगे एज अ नाउन कंटिंजेंट की मीनिंग है अ ग्रुप ऑफ पीपल रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन एट अ मीटिंग और अदर इवेंट एग्जाम्पल द अमेरिकन कंटिंजेंट हैज लॉन्ग डोमिनेटेड इन ओलंपिक बास्केटबॉल द गवर्नर विल बी अकंपनीड ऑन हिज ट्रिप टू चाइना बाय अ कंटिंजेंट ऑफ लीडिंग बिजनेस लीडर्स सो एडजेक्टिव और नाउन का जो मतलब है यहाँ पे बिल्कुल टोटली डिफरेंट है Synonyms यहाँ पे as an adjective जो था provisional, conditional, dependent, antonym, unconditional and independent. Next word is influence peddling. So it's a noun and the meaning is illegal activity of helping someone achieve their goals by using your political influence in exchange for money. So अगर आपका political influence है तो उसका सहारा लेते हुए उसकी मदद से किसी को इलीगल एक्टिविटी में हेल्प करना और उसके बदले में पैसे लेना
द यूज ऑफ पोजिशन और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑन समवन्स बिहाफ इन एक्सचेंज फॉर मनी और फेवर्स. एग्जाम्पल इन द आर्टिकल वॉज मेनी एनालिस्ट्स विद इन एंड आउटसाइड गवर्नमेंट हैव रेस्पॉन्डेड टू दीज स्कैम्स बाई पॉइंटिंग द फिंगर एट पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्लेमिंग दैट दे आर मोर वल्नरेबल टू इन्फ्लुएंस पेडलिंग एंड क्रोनी कैपिटलिज्म. सो इसी से रिलेटेड आर्टिकल में अगर आपको याद होगा हमने देखा था नो फ्लाउट विदाउट क्लाउट. सो क्लाउट इज इन्फ्लुएंस. सो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बिना इस तरह की डिसओबेइंग या जो रूल तोड़ते हैं ये पॉसिबल नहीं है, या बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा रोल होता है उसका. सो यूज ऑफ पोजिशन और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑन समवन्स बिहाफ इन एक्सचेंज फॉर मनी और फेवर्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल, हियर इज द फॉर्मर हेड ऑफ यूरोपियन डेवलपमेंट बैंक अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर इन्फ्लुएंस पेडलिंग. एज द स्टेट हैज ग्रोन करप्शन ब्लैक मार्केट एंड इन्फ्लुएंस पेडलिंग हैव प्रोलिफरेटेड. ठीक है, सिनोनिम्स ब्राइबरी ब्लैक मार्केट फॉर्जरी एंटोनिम पेनल्टी लॉस एंड हिंड्रेंस. नेक्स्ट वर्ड इज क्रोनी कैपिटलिज्म. It was used with influence peddling in the sentence. So again, it is a noun and an economic system in which family members and friends of government officials and business leaders are given unfair advantages in the form of jobs and loans. So aisa economic system jahan pe jo authorities hain unhone apne family members aur apne friends ko favors diya hua hai, अनफेयर एडवांटेज दिया है, कोई जॉब है तो वो उन्हीं को दे दिया. सो दिस इज क्रोनी कैपिटलिज्म. एन इकोनॉमिक सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय क्लोज म्यूचुअली एडवांटेजियस रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस लीडर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. एग्जाम्पल अगेन सेम सेंटेंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सेकेंड एग्जाम्पल, वी आर इंस्टेड विटनेसिंग क्रोनी कैपिटलिज्म वेयर द इंटरेस्ट ऑफ सीईओज आर नो लॉन्गर अलाइंड विद द इंटरेस्ट ऑफ देयर शेयर होल्डर्स एंड वर्कर्स. सो क्या होगा अगर सीईओ अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को या किसी से पैसे लेकर के उनको फेवर करेगा, तो दैट मींस कि ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट कंपनीज बेनिफिट्स और शेयर होल्डर्स और वर्कर्स. बोइंग नीड्स अ स्ट्रांग बोर्ड एंड अ रेजुवनेटेड कॉरपोरेट कल्चर बेस्ड ऑन इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस, नॉट क्रोनी कैपिटलिज्म. सो दीज वर टूडेज फाइव वर्ड्स. क्विकली विल रिवाइज. So the first was diaspora and second tip of the iceberg. It is an idiom. Third, contingent. It can be used both as a noun as well as adjective. Influence peddling. And the fifth was crony capitalism. And in the end, I would like to thank you. And if you have liked the video, please press the like button, share it with your friends, and also subscribe to our channel to get all the updates. Also, I would like to inform that all mock tests are free at www.exambee.com. Thank you, friends. Thanks for watching.